फ्रेंड्स, आपकी भी बॉल कभी ना कभी किसी चीज़ से फट जाती है या किसी नुकीली चीज़ से कट जाती है। ये बॉल जो है ये इस रेज़र ब्लेड वायर की वजह से कट गई थी, क्योंकि हमारे एक ग्राउंड के साइड से इसकी फेंसिंग की हुई है, तो इसका मैंने स्टिच किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा और ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा। 1 लाख से ज़्यादा व्यूज आए थे उस वीडियो पर। आप चाहो तो इस वीडियो के बाद आप वो वीडियो भी देख सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, इसकी स्टिच जो है यहाँ पे है और इसके साथ में ही इसका कट लग गया है और ये कट बराबर स्टिच के एक साइड के बराबर है। सो फ्रेंड्स, पहले हम स्केल की मदद से इसको देखेंगे कि ये कट कितना बड़ा लग गया है। अगर आप देख पा रहे होंगे, ये जो कट है ये 3 सेंटीमीटर जितना बड़ा लग गया है, तो इसका मतलब ये 1 इंच से बड़ा कट लग गया है इसको। इसके लिए हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। उसमें सबसे पहले आता है इंस्टेंट एडिसिव, इसको हम एल्फी के नाम से भी जानते हैं, और हमें चाहिए मोबाइल फ़ोन का कवर जो पुराना हो और फ्लेक्सिबल भी हो। ये आपको याद रखना है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए रबर की तरह। और हमें चाहिए थ्रेड एंड नीडल, ये हमें घर में इजीली अवेलेबल होगा ही। और सबसे लास्ट में हमें चाहिए सोडा, ये देखिए ये पाउडर फॉर्म में होता है। अगर आपके घर में सोडा अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह पर आटा भी यूज़ कर सकते हो। ए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, वीडियो के एंड में मैं आपको बहुत ही ज़रूरी बात बताने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त मेहरा सोफ़ी और आप देख रहे हैं सोफ़ी CR7। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको काम करना है, आपको बॉल के अंदर जो फूक है वो आपको बाहर निकालनी है। और अगर आप इस बॉल को पहचानते होंगे, आपको पता होगा कि आज से अप्रॉक्सीमेट 5-6 मंथ पहले मैंने इसको पंक्चर निकाला था, ये वही बॉल है। और उसके बाद में मैं आप देख सकते हो इसको मैंने कितने पंक्चर निकाले हैं, और इसका ट्यूब जो है बिल्कुल ख़त्म हो गया था। आज इसका ट्यूब मैंने चेंज किया है इसी पंक्चर के साथ। सारा फूक निकलने के बाद आपको इसको पिन लगा के रखनी है, और आप देख सकते हो ये जो इसका कट आ गया, कितना बड़ा कट आ गया है, 3 सेंटीमीटर का बराबर कट आ गया इसका। तो फ्रेंड्स, बॉल को रखते हैं साइड में, पहले हम इसको मार्किंग करेंगे, पैच बनाएंगे कितना बड़ा हमें चाहिए। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आगे, और ऐसा वीडियो शायद ही आपको YouTube पे मिलेगा, क्योंकि ये आइडिया मेरे दिमाग में आते हैं तो मैं आपके साथ ये आइडिया शेयर करता हूँ। पैच को निकालने के बाद आपको लेना है थ्रेड, उसको आपको यहाँ पे एक पेयर करना है, यानी कि एक गांठ लगानी है। ये देखिए आप, मैंने लगा दी इसको, और इसको आपको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद फिर से फोल्ड करना है, क्योंकि इसका सेंटर आपको इसकी वजह से निकल जाएगा, और यहाँ पे मार्क करना है सेंटर पे। ये देखिए इसका सेंटर निकल गया हमें। फिर इसका जो सेंटर पॉइंट है इसके आर पार आपको करना होगा इस निडल को, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो में। ये देखिए जो हमने पेयर किया था उसको, इसकी वजह से ये रुक गया है वहाँ पर। ये देखिए, फिर आपको इसको फिर से फोल्ड करना है, और फिर से एक फोल्ड और करना है, और इसमें ऐसे डाल देना है। ये देख सकते हो आप, बिल्कुल इजीली आ गया इसमें। आपको पैच को सेंटर में रख के थ्रेड को फिर छोड़ देना है ऐसे, और फिर इसको फूक भर देनी होगी फिर से। आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी, जो इसका फूक है वो को थोड़ा कम रखना है, और पिन निकाल देनी है। जो इसका कट है उसके जो किनारे हैं वो आपस में मिलने चाहिए। इसके बाद में हमको लाना है सोडा, ये देखिए हमको थोड़ा सा उठाना है और इसमें ऐसे डाल देना है। आपको उंगलियों की मदद से इसको आपस में चिपका के रखना है ऐसे, और फिर इंस्टेंट एडिसिव इस पर अप्लाई करना होगा। ये देखिए आप, थोड़ा सा धुआं उठेगा उसको, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जल नहीं जाएगी। ये जो ऐसे हमें सोडा डाला है उसी को ये धुआँ उठता है। अब हमने इसको अच्छी तरीके से फिल किया है, अब ये जो थ्रेड है इसको हम काट देते हैं यहाँ से। इसका एक्स्ट्रा एडिसिव है वो हम पहले काट लेते हैं ऐसे, और फिर से हम इसको अप्लाई करते हैं सोडा। ये देखिए आप इसको, और इसको हम फिर से इंस्टेंट एडिसिव अप्लाई करेंगे, और साइड से जो स्टिच है हमारा इसको भी हम इंस्टेंट एडिसिव अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी हमारा पैच फैल गया होगा। फिर चाहिए होगा आपको थोड़ा सा सैंड पेपर, इसकी वजह से हम इसको जो एक्स्ट्रा होगा एडिसिव वो हम इसको हटाएंगे और स्मूथ करेंगे। और हमारी बॉल जो है खेलने के लिए तैयार है, ये देखिए कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा यहाँ पे ये कभी कटी हुई थी।
तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बोला था कि मैं लास्ट में आपको एक ज़रूरी बात बोलूँगा। वो ज़रूरी बात ये है कि ये जो ट्रिक है मैंने पहले इस बॉल के साथ की हुई थी और इसको मैंने 2 वीक्स तक बहुत हार्ड खेला और इस पर कोई असर नहीं हुआ, इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हो। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।